मंत्री राजेश मूणत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के मामले को लेकर गृह मंत्री तामध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद ऐसी छोटी मोटी बातों पर भाजपा को थाने नहीं जाना चाहिए। भाजपा ने बंद कराने का ऐलान किया था, आखिर किस मामले को लेकर बंद कराने जा रहे थे, इसीलिए कि राजेश मूणत के साथ मारपीट हुई। ताम्रध्वज ने कहा कि जब राजेश मूणत द्वारा थाने से यह वीडियो भेजा जा रहा था कि उनके साथ मारपीट हुई, तो उसमें चोट के निशान भी दिखाना था। अगर मारपीट की गई थी तो जब वीडियो क्लिपिंग भेजी जा रही थी तो मारने वाला वीडियो क्लिपिंग भी दिखाना था, तब जाकर तत्काल हम थानेदार को सस्पेंड कर देते। जबरदस्ती इस तरह की परिस्थिति निर्मित करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झंडा दिखाने को लेकर जिस तरह से भाजपाइयों द्वारा कांग्रेसियों को पीटा गया है वह सही नहीं है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि राजेश मूणत का यह कहना कि मेरे साथ थाने में मारपीट की गई बड़ा हास्यास्पद है। 15 साल मंत्री रहे व्यक्ति के साथ कोई मारपीट करे या कहने के पहले भी थोड़ा समझना था कि वह ऐसा कहकर अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं या फिर अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। राजेश मूणत जैसे व्यक्ति के साथ कोई टीआई या एएसआई जैसा पुलिसकर्मी मारपीट करेगा यह संभव ही नहीं है। इतनी निम्न स्तर की राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। वहीं मंत्री रुद्र गुरु द्वारा एसटीएससी लगाने की मांग पर गृह मंत्री तामध्वज साहू ने कहा कि जो नियम और कानून के तहत होगा वह कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत मारपीट मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर अब तक भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर रही, लेकिन आज सत्ता पक्ष ने भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के मंत्री का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि राजेश मूणत के साथ कोई पुलिसकर्मी मारपीट कर सके। जो व्यक्ति 15 साल मंत्री रहे उनके साथ ऐसा किया जाना संभव ही नहीं है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर भाजपा को घेरते हुए एसटीएससी के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ हुई गाली गलौज और मारपीट के मामले को लेकर शनिवार रात से ही भाजपा नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधानसभा थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर विधानसभा थाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा के साथ कल घटना हुई है और पुलिस ने वहां तांडव किया, उस मुद्दे को लेकर हम कल से विधानसभा थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि पुलिस के जो अधिकारी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करें, उसको निलंबित करें। इन सभी विषयों को लेकर कल से ही हम धरने पर बैठे हैं। हम यह चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जब तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।